नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रत्नसेन भारती। बिहार में तैयार हो रहा है वाटर बॉडीज का एटलस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी जल जीवन हरियाली योजना के तहत जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। जल निकायों के रूप में काम करने वाला बिहार पहला राज्य बन जाएगा। आपको बता दें कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत अप्रैल तक गजेटियर कम एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार को प्रकाशित कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि यह गजट 250 पन्ने का होगा। इस नक्शे में राज्य के सभी जिला स्तरीय 100 से अधिक नदियां, 50,000 से अधिक तालाब, नहरों, आहार एवं पैन को गांव के प्रखंड स्तर पर मानचित्रों में दर्शाया गया है। चंपारण, मधुबनी आदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले जिलों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सत्यापन के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग एक सप्ताह में भारत सरकार को इन जिलों के मानचित्र भेज देगा। इस पूरे मामले को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने बताया कि एटलस में प्रत्येक जिले के मानचित्र को इस प्रकार से प्रकाशित किया जाएगा कि सार्वजनिक और निजी तालाबों की अलग अलग पहचान की जा सके। आपको बता दें कि यह पहली बार राजस्व ग्रामों का भू संकलित मानचित्र प्रस्तुत करेगा। पैमाना आधारित मानचित्र के कारण इस एटलस में प्रदर्शित गांव एवं पंचायतों का क्षेत्रफल और उसके बीच की दूरी भी मापी जा सकेगी। इस दौरान विवेक कुमार ने यह भी बताया कि भारत में जल निकायों को गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला बिहार पहला राज्य होगा। जल निकायों की स्थिति का पैमाना और माप अक्षांश और देशांतर के साथ दर्शाया जाएगा। इस नक्शे के बन जाने के बाद बिहार में होने वाले विकास कार्यों में काफ़ी मदद मिलेगा। विभिन्न विभागों में इस एटलस के बन जाने से सिंचाई, ग्रामीण विकास, कृषि योजना, आपदा प्रबंधन, कला संस्कृति आदि विभागों के लिए भी समान रूप से उपयोगी साबित होगा। इस एटलस का उपयोग सिर्फ जल निकायों में ही नहीं, इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल जिलों के इतिहास, पुरातत्व, जलवायु, कृषि, उद्योग आदि विषयों से संबंधित सूचनाओं के लिए बिहार सरकार के विभिन्न विभागों के वार्षिक प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकाशनों का उपयोग किया जा सकता है। इन योजनाओं को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पहले ही पायलट परियोजना के तहत राज्य के 5 जिले, वो जिले हैं सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय और मुंगेर में जल निकायों के मानचित्रण कराया गया है। बाद में फिर से इन पायलट परियोजनाओं को विस्तार देते हुए राज्य के अन्य जिलों में जल निकायों का भी मानचित्रण कर लिया गया है। जल निकायों का भी मानचित्रण कर उन्हें गजेटियर के रूप में प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है। इस एटलस को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि अप्रैल के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जिले जैसे कि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज का गजेटियर और जल निकायों का ब्यौरा तैयार कर लिया जाएगा। इस जिलों में सीमा नेपाल से सटने वाले सीमों के सत्यापन के लिए भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून को भेजा गया है। बताया जा रहा है कि यह एक माह पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस नक्शे को रक्षा मंत्रालय अनुमोदित करेगा। आपको बता दें कि भारतीय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस कार्य के लिए स्टडी टुडे पब्लिकेशन को अधिकृत किया है। पब्लिकेशन के प्रतिनिधि ने बताया कि उत्तर बिहार में इसका कार्य पूरा हो चुका है, अब दक्षिण बिहार के जिलों में काम शुरू होगा। बताया गया है कि किताब में हर जिले में कम से कम 6 पन्ने का पेज दिया गया है। इधर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने बताया कि इससे सरकारी योजनाओं के साथ ही आम लोगों को भी काफी फायदा मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।